The question given is the circle x square plus y square minus 6x minus 10y plus c equals to 0 does not touch or intersect the coordinate axis and the point 1,4 is inside the circle. Find the set of values of c. अब हमें गिवन है कि सर्कल जो है हमारा x square plus y square minus 6x minus 10y plus c equals to 0 ना touch करता ना intersect करता coordinate axis को. तो अगर पहले हम conditions निकाल लेते हैं इस चीज की, तो in the first condition हम रखते हैं when y is 0. अगर y 0 है तो x square minus 6x minus 10y equals to, x square minus 6x plus c equals to 0 हो जाएगा. अब इस केस में determinant should be less than 0 ताकि imaginary roots हो इसके. इसका मतलब circle जो होगा ना वो intersect करेगा ना touch करेगा circle को coordinate axis को. तो इसका discriminant कितना होगा, वो होता है कोई भी quadratic equation का supposingly ax square plus bx plus c equals to 0. कोई भी quadratic equation का discriminant क्या होता है, वो होता है b square minus 4ac. तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा minus 6 का whole square minus 4 into 1 into c is less than 0, that is 36 minus 4c is less than 0. तो इससे हमें मिल जाएगा 36 is less than 4c, that is c is greater than 9. तो ये हमारी first condition आ गई. अब हम second condition निकालते हैं when x equals to 0, तो हमें क्या मिल जाएगा, y square minus 10y plus c equals to 0. बट इस केस में भी सर्कल ना इंटरसेक्ट करेगा ना ही टच करेगा, तो इसका मतलब जो इसके रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होने चाहिए. उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए हमारा d should be less than 0. तो इस केस में d हो जाएगा minus 10 whole square minus 4 into 1 into c less than 0, that is 100 should be less than 4c. तो इस केस से हमें मिल जाएगा that c is greater than 25. ये आ गया हमारा सेकंड केस. अब हम एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करते हैं. ये एक सर्कल है, अगर ये इसका सेंटर है, इस केस में हमारा सेंटर क्या है, 3,5. तो ये 3,5 हो गया और ये रेडियस होता है. अगर कोई पॉइंट है जैसे 1,2, इसमें गिवन है कि पॉइंट 1,4 इज इनसाइड द सर्कल. तो अगर हम इस पॉइंट को कंसीडर करें, दैट इज 1,4, अगर ये इनसाइड द सर्कल है तो जो डिस्टेंस होगा 3,5 और 1,4 का, वो हमेशा रेडियस से लेस देन होगा क्योंकि वो इनसाइड है. तो हम इस केस से निकाल सकते हैं कि जो डिस्टेंस गिवन है, कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पॉइंट इज लेस देन रेडियस. अब हमारा सेंटर क्या है, सेंटर है हमारा 3,5. रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, रेडियस होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. तो इस केस में जी स्क्वायर कितना है, 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस सी, दैट इज 9 प्लस 25 माइनस सी. तो ये हो जाएगा अंडर रूट 34 माइनस सी हमारा रेडियस है. अब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सेंटर, तो डी इक्वल्स टू टू पॉइंट्स का डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 होल स्क्वायर. तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 5. तो हमें क्या पता है, हमें पता है डी इज लेस देन रेडियस, तो हम लिख सकते हैं रूट 5 इज लेस देन अंडर रूट 34 माइनस सी. तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो हमें क्या मिलेगा, 5 इज लेस देन 34 माइनस सी, दैट इज सी इज लेस देन 34 माइनस 5. तो इससे हमें मिल जाएगा सी इज लेस देन 29. अब हमारे पास तीन केसेस आए हैं. फर्स्ट केस है हमारा व्हेन सी इज ग्रेटर देन 9, सेकंड केस है सी इज ग्रेटर देन 25 एंड थर्ड केस है c is less than 29. तो अगर हम तीनों केसेस का इंटरसेक्शन लें, तो ये हमारा नंबर लाइन है, इसमें गिवन है 9, 25, 29. अब
फर्स्ट केस में हमें गिवन है कि c इज ग्रेटर देन 9, तो c इज ग्रेटर देन 9. सेकेंड में गिवन है c इज ग्रेटर देन 25. एंड थर्ड केस है c इज लेस देन 29. तो हमारा पॉसिबल केस कौन सा हो गया? ये वाला. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा c की जो रेंज है दैट इज 25 से 29 तक. सो आवर आंसर इज c इज ग्रेटर देन 25 एंड लेस देन 29. दिस इज आवर सॉल्यूशन.